अस्सलाम वालेकुम, मैं आज करीमनगर आया हूँ। मेरे भाई अखिल भाई TRS और जाफर भाई और शेर भाई और फारूक भाई, यहाँ पर हम ये जो प्रोग्राम में आए हैं, यहाँ पे गरीबों के लिए खाने का जो इंतज़ाम, जैसे हमारे हैदराबाद में अज़हर मखसूसी साहब जो करते हैं, यहाँ पे हमारे ये जाफर भाई की तरफ से यहाँ स्टार्ट किया गया है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं जो है दिया जा रहा है यहाँ पर, जो जरूरत है हॉस्पिटल के पास। हेलो अम्मा, तंदरा बड़ा तू? ये करीमनगर के अंदर है हम लोग अभी। यहाँ पर गरीब लोगों को पूरा फूड का तकसीम फ्री और फ्री में जो है लंच का जो है पूरा फूड दिया जा रहा है। ये यहाँ के नौजवान, आप भी जिम्मेदार हैं यहाँ के इस प्रोग्राम के जिम्मेदार हैं। ये भी जो है हाफिज साहब है हमारे, जो यहाँ पर फ्री फूड के जो है डिस्ट्रीब्यूशन में जो है पूरी टीम है, पूरे जाफर भाई की टीम है। अपने जेब से कंट्रीब्यूट करके वो अपने जेब से खिला रहे हैं, और दूसरे लोग भी इनका साथ देते हैं यहाँ पर। और जो देखिए आप, ये बहुत ही ज़रूरतमंद है यहाँ पर एक हॉस्पिटल के अंदर जो है ना। ये देखिए आप, यहाँ तकरीबन जो है तकसीम किया जा रहा है। और ये भी जो है इनके एक जिम्मेदार टीम का नाम मिर्जा अहमद बेग साहब जो है यहाँ इस टीम के जिम्मेदार हैं और इस फूड डिस्ट्रीब्यूशन के जो काम कर रहे हैं। ये बताना कोई शोहरत के लिए नहीं है, ये उकसाना है लोगों को कि ये काम आप भी करें, मैं भी करूं और हर इंसान करें, ताकि भूख मज़हब को नहीं पूछती, भूख पेट से जो है ह्यूमिनिटी का काम में आ गया है। और भूखा इंसान ये नहीं सोचता ये कौन है। देखिए, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एक जगह एक छत के नीचे हैं और सब मिलके खा रहे हैं यहाँ पर। और मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस किस्म के प्रोग्राम में आगे आए नौजवान, और जहाँ ज़रूरत है इस किस्म का प्रोग्राम लगाएं। और मैं हमारे अज़हर मखसूसी साहब को इस खास करके मुबारकबाद देता हूँ जो ये प्रोग्राम का इफ्तिताह किए हैं, और अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और देखिए, उनकी तरफ से आज कई नौजवान उठ के ये काम के लिए आगे आ रहे हैं, अपना वक्त, अपना पैसा और अपनी मसरूफियात छोड़ के जो है एक गरीबों की के लिए जो है आगे आ रहे हैं। बहुत उससे खुशी हो रही है। जज़ाकल्ला खैर। इंशाल्लाह यहाँ करीमनगर से आए बात फिर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अब यहाँ से एक हमारा और एक प्रोग्राम जगतियाल में होगा, और यहाँ भी हम यूनिटी की बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हमारे भाई हैं। हम देखिए यहाँ पर, आपका नाम संतोष कुमार और ईसा मिश्री, कि हम जो है ह्यूमिनिटी यानी कि इंसानियत चाहिए हमें। हम धर्म पे लड़ने वाले नहीं है। हमारे आपस का जो मसला है वो लीडर्स लड़ाना चाहते हैं हमें। हम सब एक छत के नीचे एक मुल्क में जी रहे हैं आज हम। बहुत बहुत शुक्रिया। डालो फोरी इधर, इधर डालो भाई, इधर दो सुन रहे। हेलो, डालो भाई इसमें, पहले डालिए। हमारे अखिल भाई कुछ आप अपने मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया। सबसे पहले मैं जो है अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ। अल्लाह ताला ने जो है हमें जाफर भाई के जो है प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। फिर उसके बाद मैं दिल की गहराइयों से जाफर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा काम लेकर जो है करीमनगर की सरजमीन पर वो उठे हैं, और सबसे ज़्यादा जो है बड़ी शिद्दत से ईसा मसरी साहब का करीमनगर की सरजमीन पर मैं जो है इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह ईसा मसरी साहब को जजाए खैर दे। बहुत अच्छा ऊंचा लेवल का जो है काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की एकजहती के लिए। अगर हर स्टेट में एक ईसा भाई जैसी शख्सियत हो तो वो पूरे स्टेट की भलाई हो सकती है। तो मैं नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपना रोल मॉडल जो है ईसा भाई जैसी हस्तियों को बनाएं और जो है मुल्क के अमन और शांति को लेकर चलें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम जाफर भाई, बोलो एक मिनट बात करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ईसा भाई करीमनगर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ईसा भाई का और मिर्ज़ा शोएब बेग साहब का और फारूक खान साहब का बहुत बहुत चाहे दिल से इस्तकबाल है करीमनगर में।
मैं सुबीद मेरे दोस्तों का और सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमेशा साथ देते रहते हैं। उन्हीं सब लोगों का भी तहे दिल से, इसमें जो लोग भी हिस्सा ले रहे हैं उनका सवाब है जारी हासिल। और इस प्रोग्राम को और शहरों में इंशाल्लाह और आगे चल के और प्रोग्राम को इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आपका सबका साथ रहना और सब दुआ में ख्याल रखिए और लोगों को भी इसका करने के लिए लोगों को भी करने के लिए कहिए ये काम आपका काम लोग और लोग भी करें इस काम को और आगे बढ़ाएं और इंसानियत का काम करें। बस सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई मिलजुल कर रहें। बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर अखिल भाई। ओके सब अल्लाह हाफिज़। एक मिनट, ये हमारे हैदराबादी फिल्मों के एक्टर बड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो ईसा भाई के पेज पे आया हूँ लाइव। और यहाँ पर हम देखते हैं ईसा भाई है और अपने डीआरएस अखिल भाई है और शोएब भाई है। मेन पिलर ऑफ द इवेंट जो है हमारे जाफर साहब है जो कम उम्र में इतना बेहतरीन खाना खिला रहे हैं पब्लिक को। मैं कुछ शौक हो गया देख के, एकदम गाढ़ी दाल, एकदम आलू का सालन भी इतना टेस्टी था देखते ही दिल खुश हो जा रहा है। और चावल भी माशाल्लाह बहुत बारीक से बारीक है। खिला रहे हैं बोल तो नाम को नहीं खिला रहे, दिल से खिला रहे हैं। दिल से खिलाने वाला होना है, नाम को खिलाने वाला शुआब खिलाने वाला नहीं होना है। और एक जहती के लिए भी कुछ बोली है। और एक चीज बताता हूँ मैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे जो पॉलिटिशियन लीडर तुम लोग जी रहे ना, अब तुम लोगों का काम खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। जो हिंदू को मुस्लिम को लड़ा लड़ा के अभी तक जो गेमा खेल रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े हों दो छोटे छोटे हों दो, मैं नाम नहीं लूंगा पर्सनली, नाम लिया तो बहुत बड़ी लंबी लाइन निकलेगी, ठीक है, नाम नहीं लेना है। अब आप लोगों की दुकान बंद होंगे। हम लोग पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे केसीआर साहब भी जो है ना, इतनी मोहब्बत से सब जनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की दुकानें बंद होंगी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक इंशाल्लाह एक दिन एक हो जाएंगे। शोएब भाई बात करिए, हमारे ये मेरे दोस्त हैं, हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं शोएब। अस्सलाम वालेकुम। सामने बात करिए ईसा साहब, फारूक साहब, जाफर साहब, अखिल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि शॉर्ट नोटिस पे यहाँ करीमनगर आए मेरे साथ। और इतने बड़े बड़े लोग बोलने के बाद में मेरा बोलना कुछ नहीं रहता, बस आप लोग एकजहती के बारे में बताइए। इंशाल्लाह यहाँ पर हम जो कम्युनल जो फोर्सेस चल रहे हैं, जो हिंदू और मुसलमान एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहतर जवाब है ये। और ऐसे प्रोग्राम हर स्टेट में, हर एरिया में और हमारे हर महल्ले में ऐसे प्रोग्राम्स होना बोल के मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ। और ईसा साहब है हर एक के लिए है, आधी रात को क्यों ना होता वह किसी के लिए भी खड़े हो सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। मैं चाहता हूँ, मेरी पर्सनल राय है, अगर आपको आधी रात की भी ज़रूरत पड़े हमें नहीं ईसा साहब को बराबर याद करिए, वो आपके कल एक फ़ोन के कॉल पर आ जाएंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।